नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप। क्या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो है वो फेक हैं? जैसा कि डॉक्टर परमजीत डॉक्टर एजुकेशन चैनल पे सीधा सीधा बोला गया है, और उसी के बारे में आज मैं बात करूंगी। पिछले दो वीडियोज़ में डॉक्टर एजुकेशन जो कि डॉक्टर परमजीत हैं, उन्होंने दो वीडियोज़ इसी बारे में बना डाले हैं अपने चैनल पे कि डॉक्टर परमजीत डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो कि अपने सर्टिफिकेट्स होल्ड करते हैं, वो सर्टिफिकेट्स जो है फेक हैं। तो वो पूरी की पूरी वीडियोस इसी टॉपिक पे डॉक्टर परमजीत ने बना डाली हैं, उनके सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं और उनको प्रॉपरली प्रूफ करके दिखाने की कोशिश की है कि ये सर्टिफिकेट्स बिल्कुल फेक हैं। तो ये एक फर्जी फर्जी डॉक्टर हैं जो सिर्फ डॉक्टर कहला रहे हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो प्लीज़ मैं बताना चाहूँगी, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस जो होती है वो डॉक्टर्स बहुत तरह के डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं उनके पास, MD MBBS के बाद MD MSN, सो मेनी डिग्रीज उनके पास होते हैं, बट स्टिल उनके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस ही कहा जाता है। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास डिग्रीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती हैं, बट स्टिल जो पेशेंट्स उनकी मेडिसिन या उनकी डाइट को फॉलो करते हैं, उनकी रिकवर कर जाते हैं, तो उस चीज़ों से डॉक्टर की वर्थ का पता लगता है। तो बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने ही कंटेंट को प्रमोट कीजिए। आप बताइए कि आपने किस तरीके से कौन से पेशेंट्स को ठीक किया है और आप क्या चीज़ें बताते हैं नॉर्मल जनता को, नॉर्मल व्यूअर्स को, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर ले, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो किसी तरह की भी चीज़ें हैं, राधा दैन कि आप किसी को डिमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो डिमोट होंगे नहीं। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो अपने डाइट प्लान्स के साथ मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं। और इसी का रीज़न ये हुआ कि जब उन्होंने वीडियो डाला उसके बाद उनका कमेंट सेक्शन जो फुल हो गया, और कमेंट सेक्शन में डॉक्टर विश्वरूप की फेवर में बहुत सारे लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो डॉक्टर विश्वरूप की डाइट के साथ ठीक हो गई, जिस वजह से डॉक्टर परमजीत को अपना वीडियो जो है पहले कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ करना पड़ा, फिर उसके बाद वीडियो को ही प्राइवेट करना पड़ा। और उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप जो है वो इस चीज़ को लेके सामने आए और उन्होंने बोला कि कोई भी मेरे सर्टिफिकेट को फेक प्रूफ कर देगा तो मैं उनको 1 लाख तक दूंगा। तो ये उनका एक कह लीजिए कि एक गुस्सा या एंगर था, क्योंकि वो लोगों का बहुत ज़्यादा भला कर रहे हैं ये सब चीज़ें बता के। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर बीइंग इन द सेम फ्रेटर्निटी, मैं ये जानती हूँ कि डॉक्टर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से होती है। जब वो एक पेशेंट को ठीक करता है तो वो पेशेंट उनको गॉड या भगवान के रूप में मानना शुरू हो जाते हैं, और ये ऐसे ही नहीं होता। और डॉक्टर परमजीत को भी मैं ये कहना चाहूँगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। जिस भी डॉक्टर के अंदर ये रहता है कि हाँ मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उनको डालना, उनको शामिल करना। अभी थोड़ी देर पहले हम देखते थे डाइटिशियंस की कोई वैल्यू नहीं थी हमारे कंट्री में, लेकिन अभी डाइटिशियंस की भी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अब हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो ऐसे ही हल हो जाती हैं, और उन सबको लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। इसी तरीके से लोगों ने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो हैं उनको ओवर द टाइम ऑब्जर्व किया है, उसको अपने में अपनाया है, उन चीज़ों को अपना के देखा है, और उनको अगर रिजल्ट्स मिले हैं दैट्स वाई वो लोग उनको फेवर कर रहे हैं। तो इस चीज़ में आप सिर्फ सर्टिफिकेट्स दिखा के उतनी सारी जनता जो ठीक हुई है उनको उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। इससे बेटर ये रहेगा कि आप अपने आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, आप वही डाइट्स को शामिल करवाइए अपने पेशेंट में, रिजल्ट्स देखिए। जैसा कि मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स में, मैंने पीछे टारगेट लिया था कि मैं कुछ कुछ डाइट्स जो हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय की, जस्ट थ्री स्टेप डाइट होती है, 3 दिन की होती है और बहुत ही इजी होती है, फ्रूट्स एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ मैं अपने पेशेंट्स में इसको अप्लाई करके देखूँ क्या रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। डेफिनेटली मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में डायबिटीज़ का शेयर किया, फ्लू का शेयर किया कि फ्लू के पेशेंट ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया है। मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, आयुर्वेदिक हर्ब या आयुर्वेदिक मेडिसिन जो साइड इफेक्ट्स वाली नहीं है वो भी मैंने कुछ स्टार्ट रखी साथ में, लेकिन जो रिस्पॉन्स था आयुर्वेदा के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली आना था, उनकी डाइट के साथ पेशेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। इसीलिए मैं वीडियो स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई कि किस तरीके से एक इंसान जो सबका भला करना चाह रहा है, लेकिन जैसे डॉक्टर राजीव दीक्षित के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के साथ भी ऐसा हो। इसीलिए
मैंने मन में सोचा कि अगर ये इफेक्टिव चीज़ें हैं, अगर पेशेंट्स अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और इस वीडियो में इसीलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ, मेरे पिछले वीडियोस मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह के मेरे डायबिटीज़ पेशेंट्स ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उनकी डायबिटीज़ ब्लड शुगर्स जो है इतनी जल्दी उनकी कंट्रोल हो गई, ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर जब हमने किया मैं खुद हैरान थी। और जो हाई ग्रेड फीवर था पेशेंट, उसमें जो 3 स्टेप डाइट है मैंने पिछले अपने वीडियोज में डिस्कस किया, उससे कितना अच्छा रिजल्ट पेशेंट को मिला। तो इस तरह के इंसान को तो हम सबको प्रमोट करना चाहिए, और उनकी जो भी डाइट है हमें अपने पेशेंट से फॉलो करवानी चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसा पॉइजन तो नहीं है जो वो बता रहे हैं जैसे एलोपैथिक मेडिसिन्स में होते हैं। हमें पता है एलोपैथिक एक सॉल्ट जो होता है वो एक अच्छा इफेक्ट के साथ मिलियंस एंड मिलियंस नहीं मैं बोलूंगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के साथ आता है, और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सारी डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी जानती है इस चीज़ को। तो अगर हम वो ट्राई कर सकते हैं तो हम ये डायबिटीज़ की डाइट प्लान या फ्लू में ही इस तरह के प्लान, और अब जो सिचुएशन है पेंडेमिक के टाइम पे, सिर्फ जो पहले वो पहले भी यही बोलते थे डॉक्टर बिश्वरूप, जब मैं उनको फॉलो कर रही थी तो वो यही बोलते थे लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अभी हमने क्या देखा है कि लॉकडाउन के बावजूद भी कितने ज़्यादा केसेस जो है वो एवरी डे बढ़ रहे हैं इंडिया में। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इवन आफ्टर लॉकडाउन। अब उन्होंने जो पहले ही बोला था वैक्सीन अभी क्लोज टाइम में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी आ रही है, और वायरल इन्फेक्शंस के लिए वैक्सीन्स बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं क्योंकि वायरस एक लिविंग थिंग नहीं है ये, इसलिए इनकी वैक्सीन्स जो हैं बहुत टफ होती हैं बनानी। होपफुली हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में वो आ जाएंगी, लेकिन तब तक क्या, जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ रही है पेशेंट में, बिकॉज अर्निंग कुछ नहीं है, खाना खाना है एंड खर्चे जो है वो सारे वैसे के वैसे हैं। तो एक साइकोलॉजिकली कोरोना से तक जब कोई किसी को इफेक्ट होगा होगा, उससे पहले साइकोलॉजिकली जो सिनेरियो है वो बहुत बुरा वर्स चल रहा है, जिसके कारण कॉन्टिन्यू स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है। तो इस टाइम पे तो हमें इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग चाहिए था, तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। तो बेटर यही है, जिस तरीके से डॉक्टर बिश्वरूप रॉय ने 2-3 मंथ्स पहले की वीडियो में बोल दिया था कि लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रांग करना पड़ना है, और तरीके बहुत अच्छे अच्छे बताए हैं, विटामिन सी का जो ऑरेंजेस का है, वो कोकोनट वाटर का बताया है जो मेरी पिछली वीडियोज में मैं सारा शेयर कर चुकी हूँ, प्राणायाम का बताया है, योगा का बताया है, इन चीज़ों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस चीज़ को मान के चलिए कि हम बाहर की वैक्सीन तो जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन आज ही से हमें अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रखना है। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए गिलोय की टैबलेट भी आप ले सकते हैं, जिसको अमृता बोलते हैं, जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती आ रही हूँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अपने डाइट में स्टार्ट कीजिए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है मिलेगा, और बहुत ज़्यादा स्टिग्मा या डरने की ज़रूरत नहीं है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, तरीके से एक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी ट्यूबर क्लोसिस को ले लो, ट्यूबर क्लोसिस से हर साल 5 लाख लोग तक मर जाते हैं, तो क्या हम लोग डर के घरों में बैठ जाते हैं? बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है लॉकडाउन की स्थिति जब तक है लॉकडाउन में रहिए, लेकिन उस डर को अपने मन पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर डर आपके मन पे हावी हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अभी पीछे हमारा रिसेंटली जो केस हुआ है उसमें ये है कि क्वारंटाइन में कोरोना का पेशेंट जो है वो डाला गया है, क्वारंटाइन होगा उसका, अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स तक नहीं आई है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट पेशेंट जो है वो सुसाइड कर गया है। हो सकता था वो नेगेटिव है, वो इतना फोबिया बन गया है सोसाइटी में, प्लीज इस फोबिया से, उनका भी डॉक्टर विश्वरूप का भी यही रीजन है कि प्लीज इस फोबिया से बाहर निकलिए, एक्ट वैसे ही कीजिए जैसे आपको करना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिए, अवेयर भी रहिए, सब कुछ साथ साथ में चलता रहे, लेकिन फोबिया आउट ऑफ द माइंड कि हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर देगी या हमें कुछ हो जाएगा, ऐसे चीज़ें जो अपने माइंड से प्लीज बाहर निकाल दीजिए, ताकि बहुत हेल हार्टिली हम इस चीज़ को फेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।